ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे सार्वजनिक वाहन चालकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना 2020 के लिए राजधानी में सभी वाहन चालक ऑनलाइन आवेदन करके इस सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे आर्टिकल में मिल जाएगी। सभी वाहन चालक यह ध्यान रखें कि ड्राइवर सहायता योजना की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2020 है। यह ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना सिर्फ एक बार के लिए है, मतलब 5,000 रुपये वित्तीय सहायता केवल एक बार ही मिलेगी, बार बार नहीं। इसका फायदा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको फ्रेंडली सेवा, ई रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा। पूरे देश भर में कोरोना वायरस COVID-19 के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से सभी कार्य क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी चालकों को मिलने वाली 5,000 रुपये सहायता बहुत ही मायने रखती है। दिल्ली ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन, ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी चालक 5,000 रुपये सहायता योजना आवेदन। दिल्ली ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और कौन कौन से दस्तावेज इसके पंजीकरण के लिए जरूरी हैं, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। चालकों को सबसे पहले दिल्ली के परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर के लिंक पर क्लिक करना है। विवरण बॉक्स में दिए गए सभी सीधे लिंक अधिक सरकारी योजनाओं के लिए सदस्यता लेते हैं। ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको नीचे दिए गए के लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए आपको अपना के बटन पर क्लिक करना है। ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी चालकों को इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरकर सबमिट कर देना है, जिससे आपका ऑनलाइन पंजीकरण प्रोसेस पूरा हो जाएगा। नंबर की वेरिफिकेशन होने के बाद 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वाहन चालक वित्तीय सहायता योजना जरूरी शर्तें व दस्तावेज। दिल्ली सार्वजनिक वाहन चालक वित्तीय सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ड्राइवरों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें जरूरी दस्तावेज भी शामिल हैं। एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि मैच करने के लिए लिंग, आधार कार्ड नंबर, ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना पात्रता। दिल्ली की इस ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना 2020 का लाभ लेने के लिए आवेदक को परिवहन विभाग द्वारा बताई गई पात्रता को पूरा करना होगा, जो कुछ इस प्रकार है। इस योजना का लाभ केवल ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको फ्रेंडली सेवा, ई रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा। आवेदक को पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला नंबर होना चाहिए। दिल्ली सरकार की इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज मिला है। अगर किसी भी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त हुआ है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना महत्वपूर्ण तिथि, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 13 अप्रैल 2020, पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2020, वाहन चालक वित्तीय सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको योजना से जुड़ी किसी भी तरह की पूछताछ करनी है तो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
हेल्पलाइन नंबर 01123930763, 01123970290, सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 तक। विवरण बॉक्स में दिए गए सभी सीधे लिंक अधिक सरकारी योजनाओं के लिए सदस्यता लेते हैं।